उत्पत्ति अध्याय 20। फिर इब्राहिम वहां से कूच करके दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमलेक तो उसके पास न गया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोका भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। बिहान को अबीमलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर कहा, तूने हमसे यह क्या किया है और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाला है? तूने मुझसे वह काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे, और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाए वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। तब अबीमलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे फेर दिया। और अबीमलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भावे वहां रह। और सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं, देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे फिर से गर्भवती होने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था।